नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं विशेष। पूरा उत्तर भारत सर्दी से कंपकंपा रहा है। पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद शीतलहर ने दिल्ली से लेकर पटना तक, जयपुर से लेकर लखनऊ तक लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों पर सर्दी इस कदर सितम ढा रही है कि ये जानलेवा बन गई है। खेतों में खड़ी फसलें जम गई हैं, पेड़ पौधे जम गए हैं, मैदानों की घास पर बर्फ जमी है, वाहनों पर बर्फ जमी है, ठंड नन्हे मुन्ने बच्चों पर धावा बोल रही है, अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं, कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठंड में लोगों की जैसे कुल्फी जम रही है, अलाव से जाड़ा दूर भगा रहे हैं। पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ठंड से देश का हाल कुछ ऐसा है। लेकिन सर्दी के सितम की जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ठंड से हो गई शादी में बड़ी अनहोनी, ठंड से हो गई एक दुल्हन की मौत। अरे कर ले भैया रे हजार। कड़ाके की ठंड में चढ़ती इस बारात को देखिए। हिंदी गानों पर बाराती नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, दूल्हा दुल्हन फोटो खिंचवा रहे हैं, वरमाला पहनाई जा रही है। कपकपाती ठंड में खूब धूम धड़ाके से शादी चल रही थी। जैसे ही दूल्हा दुल्हन ने शादी के बंधन के साथ फेरे पूरे किए और दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा, तभी अनहोनी हो गई। नई नवेली दुल्हन की ठंड से मौत हो गई। जयमाला के समय ही वो थोड़ा कंपज आ गया था, तो हम लोग सोचे कि मतलब इतना आदमी के सामने कोई भी लड़की होती है जो अति से मतलब कंपज आ जाती है। उसके बाद जब मंडप पे शादी के लिए मरवा पे ले जाया गया, तो समय सब पूरा विधि व्यवहार से शादी हो गई, सिंदूरदान हो गई, उसी समय पूरा और पूरा ज़्यादा कंपज आ गई और गिर गई। तो उसे तुरंत हॉस्पिटल नर्सिंग होम ले जाया गया, तो हम लोग उसके बाद एक आध घंटा बाद पता चला कि वो डेट कर गई। घटना बिहार में पटना के बख्तियारपुर की है। गयानंद नाम के शख्स की सोनी नाम की लड़की से शादी हो रही थी। शादी की रस्म देर तक चली तो दुल्हन बीच बीच में ठंड से कांपने भी लगी, लेकिन किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया और ठंड से हादसा हो गया। अब वरमाला की इन तस्वीरों को दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे दुल्हन ठंड से कपकपा रही थी। आप देख सकते हैं कि दुल्हन ने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। उससे हम लोग भी इतना गेसिंग नहीं कर पाए, ना मेरा घर वाले, मेरा परिवार, कोई भी मतलब उतना नहीं गेसिंग कर पाए। सोनी नाम की दुल्हन को उसके मायके वाले अस्पताल भी लेकर गए। परिवार वालों की माने तो डॉक्टरों ने सोनी को मृत घोषित कर दिया और ये भी बताया कि दुल्हन की मौत ठंड की वजह से हुई है। बड़ी उमंग से शादी किए थे दोनों पक्ष, बड़ी खुशी खुशहाली से शादी किए थे। बड़ी 6 महीना पहले शादी ठीक हुआ था, 15 अप्रैल के छेकारों में बड़ी उमंग से हुई थी। उसके बाद मैं बड़ी खुशहाली से अपना धूमधाम से दोनों पार्ट लड़की वाला पक्ष से भी मैं अपने पंडाल बना दिए थे और मैं खूब खुशी खुशहाली से गए थे। जानलेवा ठंड ने शादी के जश्न को मातम में बदल दिया। जो दूल्हा डोली में दुल्हन को ले जाने आया था, उसे दुल्हन की अर्थी लेकर शमशान जाना पड़ा। बाढ़ से धर्मेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली वालों के लिए तो हमेशा से सर्दी इम्तिहान बनकर आती है, इस बार भी जाड़ा राजधानी के लोगों के लिए मुश्किल बनकर आया है। पारा लगातार 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो हफ्ते भर बाद दिल्ली पर कोल्ड और कोहरे का डबल अटैक होने वाला है।
साल के बाकी दिनों में दिल्ली का इंडिया गेट अमूमन मॉर्निंग वॉक करने वालों से गुलजार रहता है, लेकिन सर्दी का सितम ऐसा कि लोग सुबह घरों से निकलना ही भूल चुके हैं। कोहरा में लिपटे इंडिया गेट में मॉर्निंग वॉक करने वालों की तादाद इक्का दुक्का ही रह गई है। आम लोग सर्दी से परेशान हैं, लेकिन जाबाज पुलिस वालों को देखिए। जबरदस्त सर्दी के बावजूद इंडिया गेट पर परेड के रिहर्सल में पूरी तल्लीनता से लगे हुए हैं। कर्तव्य के जोश में सर्दी यहां हारती नजर आ रही है, लेकिन इस जोश को पारे का पैमाना मानने की गलती ना करें, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों पर सर्दी का जबरदस्त हमला हुआ है। तापमान लगातार सामान्य से कम बना हुआ है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बुधवार को दिल्ली का पारा 5.2 डिग्री तक गिर गया था, जो कि इस मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान था। पारा 0.2 डिग्री जरूर चढ़ा, लेकिन शीतलहर ने इस फर्क को मिटा दिया, लिहाजा अब अलाव ही सर्दी से बचाव का एकमात्र सहारा रह गया है। जो लोग रात भर मजबूरी में घरों से बाहर रहते हैं, कपकपाती हुई सर्दी में उनकी रात इसी तरह गुजर रही है। ठंड पिछले दिनों की बजाय ज्यादा है? ज्यादा है सर। हाँ। दो दिन से ज्यादा ही, मतलब आज ज्यादा ही कुछ लग रहा है। 4 बजे से यही आके सहारे में हम लोग बैठे हुए हैं, क्या करेंगे सर। आज लेकिन क्या नींद आई आपको लगा आज की? आज नींद हम लोग को आईबे नहीं किया, ठंड के रह गए। हाँ। आज ठंड से मर गए हम लोग। मौसम विभाग की माने तो क्रिसमस तक पारा 5 से 6 डिग्री के आसपास घूमता रहेगा। दिन में धूप जरूर निकलेगी, लेकिन ठंडी हवाओं से तापमान सर्द बना रहेगा। कोहरे को लेकर राहत फिलहाल बनी रहेगी, लेकिन क्रिसमस के बाद कोल्ड और कोहरे का डबल अटैक पड़ सकता है। भी जो अगर आप तापमान देखें बहुत डे एंड नाइट, तो 20 डिग्री नॉर्थ के ऊपर के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें अभी तापमान 2 से 5 डिग्री सामान्य से कम है, और 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ तापमान 6 से 8 डिग्री सामान्य से अधिक है। तो अभी जो तापमान है पूरे गांगेय क्षेत्र में वो तापमान सामान्य से काफी कम है, पर्वतीय क्षेत्रों में भी काफी कम है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में गुरुवार को सुबह 5:30 बजे पारा 3.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया था। साफ है पारा लोगों को परेशान कर रहा है, और हाल फिलहाल इससे राहत मिलने वाली नहीं है। जनवरी में ज्यादा है। कितने दिनों का ज्यादा? आप मैंने बताया ना 15 डेज, जनवरी तो मेजर है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। 19 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर भारत में दस्तक दे रहा है, इसकी वजह से ज्यादातर इलाकों में दिन के तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी। तो सर्दी हम सबको सताने के लिए तैयार है, इससे निपटने के लिए आप भी खुद को तैयार कर लीजिए। गर्म कपड़े पहनिए, एहतियात बरतिए, क्योंकि इस मौसम में जरा सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। पंकज जैन के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक। दिल्ली का हाल आपने देख लिया, अब दिखाते हैं उत्तर भारत के दूसरे शहरों का हाल, जहां गिरते पारे ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। सर्दी का सितम ऐसा कि आग के पास से हटने की हिम्मत नहीं होती। कानपुर में चाय की चुस्कियों के बीच लोग अलाव के पास जमे हुए हैं। शहर रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठंड को शिकस्त देकर आग के पास उठने की हिम्मत सबकी कहां। भयंकर सर्दी सबको पस्त कर रही है। अरे ठंड के मारे हाथ गोड़ नहीं काम करते हैं भैया। संगम नगरी इलाहाबाद भी ठंड के प्रचंड से जूझ रहा है। स्कूली बच्चों की तो मजबूरी है, सर्दी के बावजूद वो घर नहीं बैठ सकते, लेकिन पेट की मजबूरी के बावजूद वो लोग जो हर रोज की कमाई पर निर्भर हैं,
सर्दी ने उनकी हिम्मत तोड़ दी है। ठंड बहुत पड़ रही है, हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा का हिसार देश का ऐसा इलाका है जहां गर्मी और सर्दी दोनों का रूप भयंकर होता है। लोगों की आग तापती इन तस्वीरों से आपको एहसास हो गया होगा कि हिसार में मौसम का क्या हाल है। हिसार में पारा लुढ़क कर 3 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही तापमान 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान प्रमुख डॉक्टर राज सिंह के मुताबिक इस बार जनवरी में तापमान 0 से भी नीचे जा सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 0 डिग्री के आसपास आ सकता है। सर्दी अब जानलेवा भी होने लगी है। राजस्थान के उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके के अलीपुरा में दम घुटने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कपकपाती सर्दी से बचने के लिए परिवार के सदस्यों ने कमरे में 3 बच्चों को सुलाकर अंगीठी लगाई थी। घर पूरी तरह से बंद होने की वजह से पूरे कमरे में धुआं भर गया। परिवार के बाकी लोग जब सुबह कमरे में पहुंचे तो 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। अंगीठी जलाने से दम घुटने से डेथ हुई है। ये दर्दनाक घटना उन लोगों के लिए बड़ी सीख है जो कमरे में अंगीठी, हीटर या ब्लोअर चलाकर सोते हैं। कभी भी कमरे का दरवाजा और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर अंगीठी या हीटर जलाकर ना सोएं। ठिठुराने वाली सर्दी अब लोगों को बीमार भी करने लगी है। राजस्थान के अलवर में सर्दी जनित बीमारियों से पीड़ित 400 से अधिक बच्चों का सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में इनकी संख्या और भी अधिक है। सबसे ज्यादा परेशानी निमोनिया से हो रही है। बताया जाता है कि 8 से 10 बच्चे रोजाना अस्पताल में भर्ती हो रही हैं। बुखार, ठंड, गले में खराश और विंटर डायरिया के मरीज मुख्य रूप से आ रहे हैं। तो सावधान हो जाइए, सर्दी सितम ढा रही है। खुद भी बचिए और पूरे परिवार को भी सावधान रखिए। इस सर्दी का यही सबक है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे राजस्थान पर बर्फ भारी। आप देखते रहिए विशेष। गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी, और इसीलिए अगर राजस्थान और साथ में रेगिस्तान की गर्मी मशहूर है तो यहां की ठंड भी ऐसी कि पानी जम जाए। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ऐसा ही नजारा दिख रहा है। फसलों पर पसरी हुई बर्फ की सफेद चादर, ये तस्वीर किसी पहाड़ी इलाके की नहीं है बल्कि गर्म रेगिस्तानी इलाका राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी है, जहां हमेशा की तरह इस बार सर्दी चरम पर है। यहां पारा -0.2 पर लुढ़का तो खेतों में फसलों पर पड़ा पानी बर्फ में बदल गया। लगातार 4th दिन है जब फतेहपुर शेखावटी में पारा 0 के नीचे है। रविवार को यहाँ पारा -2.6 पर था, सोमवार को -2, जबकि मंगलवार को -1। लेकिन लोगों के लिए डराने वाली बात यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों पारा और लुढ़केगा। पिछले 3-4 दिन से माइनस में है पारा। अभी हम फसलों में पानी दे रहे हैं तो पानी जो है बर्फ में तब्दील हो रहा है। बहुत ज्यादा सर्दी है। सर्दी के सितम का असर किसानों पर पड़ रहे हैं। पाला पड़ने से सब्जियां खराब हो रही हैं। फतेहपुर ही नहीं, राजस्थान के कई शहरों में लगातार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। सीकर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ तो चूरू में पारा 5 डिग्री पर लुढ़क गया। उदयपुर 6.2, जैसलमेर और अजमेर में 7.8। सीकर से राकेश गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और उसमें 11 द विंटर्स आर अपॉन अस, टाइम टू टेक आउट योर स्वेटर जैकेट्स एंड इन माय केस कैप। इन फैक्ट माय कॉलीग रोहित हैज ऑलरेडी स्टार्टेड निटिंग। नाउ सोनी स्मार्टफोन्स, आई रियली लाइक देम, यू नो, बिकॉज़ दे हैव देयर ओन डिजाइन।